हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ओप्पो रिनो 4 प्रो के टॉप 5 फीचर्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो यही चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स की। तो आपको स्क्रीन पे ऐसे प्रेस करे रहना है कुछ सेकंड्स। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपको सिंपल एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्स आइकन है वो कुछ इस इफेक्ट में शो होने लगेगी, जो कि यहाँ पे 5-6 इफेक्ट्स दी गई हुई है। आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे आपके जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं हो रहे, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही जाओगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैटरी का। यहीं पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है बैटरी पे। जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी पे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है शो बैटरी परसेंटेज एंड स्टेटस बार, इसको सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना है, इनेबल करना है, तो आपके जो बैटरी परसेंटेज है वो शो होने लग जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की। तो आपको यहीं पे ही सेटिंग्स में और एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ, जो कि यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन टूल्स। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ, मतलब आपका मोबाइल आप स्लीपिंग के टाइप चाहते हो कि ये मोबाइल ऑफ हो जाए और सुबह ऑन हो जाए, तो ये शेड्यूल दिया गया ये हुआ है यहीं पे। आप अपने हिसाब से इसको चूज़ करके रख सकते हो। और बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे नेविगेशन बटन्स दिया गया हुआ है, इस पर आप सिंपली एक बार क्लिक कीजिए तो ये जो आपका नीचे की तरफ ये जो नेविगेशन बटन दिख रहा है आपको, वो आप लेफ्टी यूजर्स हो तो लेफ्टी, राइटी हो तो राइटी, और ये ऑटो हाइड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से वो जो नेविगेशन बार था वो हट चुका है, गायब हो चुका है, हाइड हो चुका है मेरा मतलब। तो ये दोस्तों था इसका कुछ फीचर्स। वैसे आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कौन सा फीचर्स अच्छा लगा। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में आपको जाना होगा। जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो नीचे की तरफ आपको OTG कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर इस फोन में आप OTG कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसको लगाना होता है आपको, OTG को, आपकी पेन ड्राइव जो है उसको। तो पहले इसको इनेबल करना होगा, फिर आपको OTG लगाना होगा, तभी ये इसमें कनेक्ट हो पाएगा। और ऊपर की तरफ दोस्तों देखोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप वीडियो क्वालिटी हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हो, लो क्वालिटी में, मीडियम क्वालिटी में, सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं आपको यहाँ पे। तो आपको जो पसंद है वो आप रख सकते हो। मैं अभी हाई क्वालिटी इनेबल कर चुका हूँ, तो ये जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होने लगेगी। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे जाना है, नहीं, नेविगेशन स्टेटस एंड बार, इसमें जाना है। और यहाँ पे रियल स्पीड नेटवर्क लिखा हुआ है, इसको इनेबल करने से आप जितना डेटा यूज़ करोगे जितनी स्पीड आएगी सारी डिटेल्स उसमें रहेगी, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। और फिर जाना होगा डिस्प्ले एंड सेटिंग्स में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये सभी मोबाइल में अवेलेबल होता ही है अभी। और नीचे की तरफ दोस्तों आओगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, इज़ कन्फेक्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको इनेबल करना चाहिए। आप रात को रीडिंग करते हो तो ये बहुत ही काम का है आपके लिए। और यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ तो 10 मिनट का मैंने कर दिया है, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहीं से आप डिस्प्ले का कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और नीचे की तरफ दोस्तों आओगे तो यहाँ पे फ्रंट आपके जो है फ्रंट साइज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप मीडियम साइज में रखना चाहते हो, लॉन्ग साइज में, एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए उसके भी। और नीचे की तरफ दोस्तों आते तो यहाँ पे नहीं, ये बस हो गया। और बात करते हैं ऐसे ऊपर से आप स्वाइप करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट बेल, तो इसको आप इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसको इनेबल कर देते हो तो असिस्टेंट बेल जो कुछ इस तरह से आपके सामने शो होने लगेगा। इसको डबल बार प्रेस करने से आपकी जो ऐप्स कौन सी बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही है वो सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। और आप कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हो और सिंपली असिस्टेंट बेल पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पे आ जाओगे, आप देख सकते हो। और डबल प्रेस करने से बैकग्राउंड में कौन सी जो ऐप्स चल रही है वो दिखाएगा। और ऐसे स्वाइप अप शो करने से आप जो ऐप्स ज़्यादा यूज़ करते हो उसको भी आप एडिट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐप्स आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से इसमें ऐप्स एडिट होती है। जो आप ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हो ऐसे स्वाइप अप करके भी आप यूज़ कर सकते हो।
जो कि आपको पूरी मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अंदर कहाँ हमारी ऐप्स कौन सी पड़ी है। और दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो आपको ऐसे प्रेस कर रहना है, नहीं प्रेस नहीं करना है, जो हाँ जो ये आपका ऐप्स अभी ये दिख रहा है वो नीचे से शो हो रहा है, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है होम स्क्रीन मोड, तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, फिर ये जो ऊपर वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसको आप स्विच कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे इसको स्विच करोगे तो हम नीचे से जो स्वाइप करते थे और ऐप्स खुलते थे वो बंद हो गए, और डायरेक्टली ऐसे स्वाइप अप करने से हमारे जो ऐप्स आइकन है वो कुछ इस तरह से शो होने लग जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स की, तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन ये फीचर्स बता रहा हूँ मैं डिजिटल वेलबिंग का, जो कि ऑलमोस्ट सभी मोबाइल में होता ही है। तो ये हमने मोबाइल कितनी बार यूज़ किया, 9 मिनट तक यूज़ किया है, कौन सी ऐप्स कितने टाइम तक यूज़ की, सारी डिटेल्स इसमें रहती है। 17 अनलॉक हुए और 7 नोटिफिकेशन आए इसमें, तो ये सारी डिटेल्स डिजिटल वेलबिंग में अवेलेबल रहती है, हमने दिन भर कितना मोबाइल यूज़ किया। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव कुछ भी पूछना चाहो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।